हे गाइस, वेलकम बैक। विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में डायंथस का नाम तो आता ही है, और डायंथस एक बहुत ही खूबसूरत सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। छोटे छोटे से ये फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो इसके कलर होते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि डायंथस प्लांट की हमें केयर कैसे करनी है, और इस प्लांट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्लावर्स लेने हैं तो हम ऐसा कौन सा काम प्लांट के साथ करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो वेराइटीज़ मेरे पास में है। तो ये देखिए, डायंथस के जो कलर्स है इसमें लाइट पिंक और डार्क पिंक के कॉम्बिनेशन में है, और इसका जो फ्लावर का साइज़ है ये थोड़ा बड़ा भी है। तो ज़्यादा बड़ा ये फ्लावर नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे इसमें जो फ्लावर्स आते तो इसके कंपेयर में जो अभी पहले देखा आपने वो फ्लावर थोड़ा बड़ा है। तो ये लाइट पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ऐसे ही बंचेस में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो बहुत सारे अगर फ्लावर्स आते तो हमें पता भी नहीं चलता है कि पॉट में इसके लीव्स है या नहीं, इतने ज़्यादा प्रपोर्शन में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये प्लांट को सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हमें हमेशा सनलाइट में ही रखना होता है। सनलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लावरिंग देते हैं, और इसको सनलाइट मॉर्निंग की अगर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आफ्टरनून में अगर आपके यहाँ पर सनलाइट आता है तो वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये प्लांट हमें सनलाइट में ही रखना है। सेकंड थिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर प्लांट की हम लोग मिट्टी रेडी करते हैं तो मिट्टी हमेशा ड्रेनेज होना चाहिए मिट्टी में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोकोपीट का ज़्यादा यूज़ किया है। कोकोपीट हमें 50% लेना है, या फिर आप 25% कोकोपीट एंड सैंड ऐसे प्रपोर्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, और इसके साथ में हमें कंपोस्ट भी ऐड करना है 20% एंड 30% गार्डन सॉइल। तो ये इसका अगर हम प्रपोर्शन रेडी करते हैं तो प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसके लीव्स सूखने लगते हैं तो उनको निकाल के आप उसी में डाल दें, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लीव्स रेडी हो सके। तो इनको हमें ध्यान देना होता है कि अगर पत्ते सूख रहे हैं तो उनको वहीं पर हमें कट कर देना है, उनकी पिंचिंग करते रहना है। तो जो प्लांट है वो न्यू लीव्स रेडी करने में लग जाता है, या फिर फ्लावरिंग रेडी करने में लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे फ्लावर्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उनको हम निकालते अगर रहते तो हमें न्यू जो बर्ड्स होते हैं वो प्लांट को रेडी करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हमें लेना है, तो जो डेड फ्लावर्स होते हैं उनकी पिंचिंग करना है, करते रहना है। अभी मेरे पास यहाँ पे तो डेड फ्लावर्स नहीं हैं, लेकिन आपको पिंच करते रहना है जो डेड फ्लावर्स होते हैं उनको। और नेक्स्ट है कि इस प्लांट को अगर हम लोग प्रपोगेशन करना चाहते हैं तो हम इसकी कटिंग भी इजीली ग्रो कटिंग के साथ इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट उतना नहीं आता है। अगर हम सीड परचेस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा आता है, बट आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इसको कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो देखिए ये प्लांट जो है वो हैंगिंग बास्केट में अगर हम लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये लगता है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसको बहुत बड़े पॉट में लगाने की नीड नहीं होती है। तो आप हैंगिंग बास्केट में इस प्लांट को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसको पानी हमें कैसे देना है। तो इसको हर अल्टरनेट डेज पे पानी देना है। ज़्यादा पानी इसे प्लांट ख़राब होता है, इसलिए पानी आप इसको चेक करके ही दीजिएगा, और हर 8 दिन में या 15 दिन में आप इसको टी कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर आप इसको काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें फ्लावर्स लेना है तो कंपोस्ट जो होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। तो ये देखिए हैंगिंग बास्केट में कुछ प्लांट्स इस तरीके से लगते हैं। तो आप मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। तो ये था आज का वीडियो डायंथस के प्लांट के ऊपर। अगर आपने परचेस कर लिया है और आप अगर न्यू गार्डनर है और तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। तो जो मैंने आपको केयर बताई है आप उस तरीके से प्लांट को लगाइए और केयर कीजिए, तो प्लांट में इस तरीके से ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहेगा।
इसका सीज़न तो होता है अप्रैल तक के, तो अभी तो मंथ टाइम है, एक दो मंथ, तो आप फ्लावर्स इसमें ले सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।